मैं मूल निवासी जय भारत, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है एवन टीवी। एवन टीवी के माध्यम से एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है खबरों का उड़न खटोला, जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की खबर। राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ व भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से जिला स्तरीय कामगार परिषद का जोरदार आयोजन। यह विशाल आयोजन भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय प्रचारक माननीय सुरेश यादव पाटिल के नेतृत्व में हुआ सफल। हजारों से ज्यादा कार्यकर्ता रहे उपस्थित। सहारनपुर थाना बड़गांव क्षेत्र में चमारों पर बरसा ठाकुरों का कहर। दबंग ठाकुरों ने महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा की आड़ में जलाए चमारों के कई घर। यही है योगी के डेढ़ महीने की सरकार की तरक्की। भारत मुक्ति मोर्चा का गुजरात के कच्छ में प्रथम जिला अधिवेशन हर्षोल्लास के साथ संपन्न। इस विशाल कार्यक्रम की अध्यक्षता बामसेफ के राष्ट्रीय प्रचारक माननीय कुमार काले ने की। हजारों की संख्या में मूल निवासी कार्यकर्ता व समर्थकों ने कार्यक्रम को बनाया सफल। फिरोजाबाद में जारी है बच्चों का शोषण, बच्चों ने जुलूस निकालकर सरकार से स्टॉप चाइल्ड वर्क की लगाई गुहार। फिरोजाबाद सहित देश के कई हिस्सों में बच्चों से बंधुआ मजदूरी की तरह करवाया जा रहा है काम। भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से बाराबंकी के फतेहपुर में एक दिवसीय कार्यक्रम का सफल आयोजन। बामसेफ के राष्ट्रीय प्रचारक माननीय प्रेम कुमार गेड़ाम ने अध्यक्षता के रूप में किया संबोधित। हजारों कार्यकर्ताओं ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। यूपी के एटा में दर्दनाक हादसा, 14 की मौत, 28 पूरी तरीके से घायल। ताजा जानकारी मिलने तक बढ़ सकती है मृतकों की संख्या। ये सड़क हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार से आ रहा ट्रक पलटा पुल में, चीख से गूंज उठा एटा का चप्पा चप्पा। yeah.